I'm Stuti from eVidyarthi. और इस सेशन में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये है पेज नंबर 16.9 पे ऑफ द बुक टीएस ग्रेवर। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इन एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 30,000 ऑन 1st जुलाई 2017 एट 3 months। तो किसने एक्सेप्टेंस दी है? मोहन ने। और रिसीव किसे हुई है? प्रकाश को। तो मोहन हमारा ड्रॉई है क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस दी है और प्रकाश हमारा ड्रॉअर हो गया। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुई है, इसकी एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले डेट है हमारी 2017 जुलाई 1। तो जुलाई 1 को बिल ड्रॉ हुई है, उसकी एंट्री पास हो जाएगी जुलाई 1। ड्रॉअर के लिए क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसके लिए एसेट है, उसे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे इसके बदले। टू पार्टीज अकाउंट, नाम क्या है ड्रॉई का? मोहन। तो मोहन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि मोहन अब हमारा डेटर नहीं रह गया, उसकी जगह उसने हमें बिल्स रिसीवेबल दे दिया है। बीन बिल ड्रॉन, ये हो गया बिल को ड्रॉ करने की एंट्री। और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? ड्रॉई के लिए ये हो जाएगा बिल्स पेबल, क्योंकि उसके लिए एक लाइबिलिटी है, उसे फ्यूचर में इसके बदले पेमेंट करनी पड़ेगी। जुलाई 1 को एंट्री हो जाएगी। पार्टी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी प्रकाश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं रह जाएगा। पहले प्रकाश हमारा क्रेडिटर था बट हमने प्रकाश को बिल्स पेबल दे दी, तो अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं है इसलिए डेबिट हो जाएगा और बिल्स पेबल हमारे लिए एक लाइबिलिटी है तो ये क्रेडिट हो जाएगी। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हो गई। नरेशन में आ जाएगा बीन बिल एक्सेप्टेड, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री बिल को ड्रॉ करने की। और अमाउंट लिख लेते हैं, बिल का अमाउंट है 30,000 रुपीज। ये हो गई ड्रॉइंग की एंट्री, सॉरी बिल को ड्रॉ करने की एंट्री। अब हमारे पास आता है प्रकाश गॉट दिस एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड एट द रेट 12% पर एनम एट हिज बैंक। तो प्रकाश ने क्या किया, उसने अपनी बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से। तो डिस्काउंट की एंट्री जस्ट अभी हमने सीखी थी, क्या होती है? हमने सीखी थी प्रीवियस सेशन में जुलाई 1 को, यानी सेम डेट को उसने बिल को डिस्काउंट करा लिया 12% के रेट से। 12% मतलब डिस्काउंट चार्जेस का रेट। एंट्री होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें कैश रिसीव हो जाएगा, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट चार्जेस हमारे एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो जाएंगे। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल हमने अब बैंक को दे दी तो हमारे पास तो नहीं है, बिल्स रिड्यूस हो रही है, एसेट रिड्यूस हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया। अब इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल हमारी कितने रुपीज की थी? 30,000 रुपीज। तो बिल का अमाउंट तो 30,000 रुपीज आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि डिस्काउंट चार्जेस कितने थे और कितना कैश हमें रिसीव हुआ। तो डिस्काउंट चार्जेस का हमें रेट दे रखा है 12%, यानी 30,000 रुपीज का 12% डिस्काउंट चार्जेस है और पर एनम है, यानी ये पूरे साल के है, बट हमने कितने टाइम के लिए बिल को डिस्काउंट कराया है? 3 months के लिए। यहाँ पे लिखा है कि बिल वॉज एक्सेप्टेड एट 3 months, तो ये बिल 3 months के लिए, तो हमने डिस्काउंट 3 months के लिए कराया होगा। हम इसको 3 months से इंटू कर देंगे 3/12। अब जो अमाउंट हमारा निकल के आएगा वो हमारा डिस्काउंट चार्जेस का अमाउंट निकल के आएगा। 30,000 × 12% × 3/12 हमारा अमाउंट आ जाएगा ₹900। ये है हमारे डिस्काउंट चार्जेस। तो ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस में हमें रेट दे रखा होता है और रेट की हेल्प से हमें डिस्काउंट चार्जेस फाइंड करने होते हैं। तो डिस्काउंट चार्जेस आ गए हमारे
900 rupees. अब 900 तो डिस्काउंट चार्जेस है, तो कितना अमाउंट बचा हमारे पास? बैंक ने हमें रिमेनिंग अमाउंट दे दिया होगा, यानी 29,100 rupees. इतना अमाउंट बैंक ने हमें पे किया होगा, 900 डिस्काउंट चार्जेस के काट लिया, रिमेनिंग पे कर दिया. ये एंट्री तो हो गई हमारी ड्रॉअर के बुक्स में, बट ड्रॉई क्या कोई एंट्री करेगा? नहीं. ड्रॉई एंट्री क्यों करेगा? क्योंकि ड्रॉई ने तो कोई काम ही नहीं करा. तो ड्रॉई के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आई. क्लियर? और इसका नरेशन भी लिख लेते हैं. बीन बिल डिस्काउंटेड. ये आ गई बिल डिस्काउंट करने की एंट्री. अब आगे बढ़ते हैं. ऑन द ड्यू डेट मोहन पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट. गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रकाश एंड मोहन. तो ड्यू डेट पे मोहन ने पेमेंट कर दी. ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं और पेमेंट की एंट्री करते हैं. ड्यू डेट क्या होगी? बिल ड्रॉ हुई है 1 जुलाई को. कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. अक्टूबर 1 को हमारे 3 मंथ्स हो जाएंगे. हमारी ड्यू डेट हो गई अक्टूबर 1, और इसमें हम ऐड कर देंगे क्या? डेज ऑफ ग्रेस. कितने? 3 डेज ऑफ ग्रेस. तो हमारे पास डेट आ जाएगी 4th of October. ये 4th of October है हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी 4th of October को हम पेमेंट करेंगे. हम मतलब ड्रॉइंग पेमेंट करेगा. तो ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई. डेट ऑफ मैच्योरिटी की 3 मंथ्स के बाद पेमेंट होनी थी, तो अक्टूबर 1 प्लस डेज ऑफ ग्रेस और डेट ऑफ मैच्योरिटी आ गया. पेमेंट हमेशा डेट ऑफ मैच्योरिटी की होती है, यानी 3 डेज एड करने के बाद. तो डिस्काउंट की तो उसने कोई एंट्री नहीं करी थी. अब आ गया अक्टूबर 4, जो हमने अभी कैलकुलेट करा डेट ऑफ मैच्योरिटी. डेट ऑफ मैच्योरिटी को ये पेमेंट करेगा, यानी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट पेमेंट की एंट्री करेगा 2 कैश अकाउंट. बिल्स पेबल लाइबिलिटी थी जिसके अगेंस्ट अब पेमेंट कर दिया इसने, तो अब इसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई. लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, इसलिए बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा. और इसने कैश में पेमेंट करा होगा, इसका कैश रिड्यूस हो रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया. जब एसेट रिड्यूस होता है तो क्रेडिट हो जाता है. नरेशन लिख देंगे. बीन कैश पेड और अमाउंट है 30,000 rupees. ड्रॉअर की बुक्स में इसकी कोई एंट्री आएगी पेमेंट की? नहीं. ड्रॉअर की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि ड्रॉअर को तो पैसे पहले ही मिल चुके हैं, अब ड्रॉअर को कोई पैसे नहीं मिलेंगे. सो ये थे हमारी एंट्रीज इलस्ट्रेशन नंबर 3 की. आई होप आपको ये सारी एंट्रीज समझ आई होंगी. एंड स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.